शर्मा से पिल्लाज। तो कैसे आप सब? तो आज का जो वीडियो है वो है फिशिंग का। तो हम लोग सोचे थे, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि फिशिंग करने जाएंगे। तो आज सोचा कि चलिए कर ही लेते फिशिंग। तो ये देखिए हम लोग का बड़ा सा फार्म, तो दिखा देते हैं हम लोग का फार्म। देखिए यहाँ पर कितने सारे डक्स हैं हम लोग के फार्म में, बहुत सारे डक्स हैं। और ये और भी है यहाँ पर, ये बस। तो चलिए अभी चलते हैं फिशिंग की जगह में। ये है मेरे पापा और ये है मेरे अंकल। बाय 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 पापा। हाय, इधर आइए। आपको इनको आज मैं अच्छे से मतलब बता दूंगा। तो फिर मैं खोलिए। तो देखिए ये है मेरे पापा, ये है मेरे वीडियो के कैमरामैन है। तो बट आज दीदी कैमरामैन है, और क्योंकि पापा और मेरा अंकल अभी फिशिंग करेंगे, इसलिए। तो देख सकते कितना बड़ा ये जगह है। सो फ्रेंड्स, अभी लग रहा हूँ ना मैं फिशिंग एकदम फिशरमैन की तरह। सो देखिए ये मेरे पैंट, बिल्कुल फिशरमैन की तरह। मेरे शूज और मेरे कैप, मेरी टी शर्ट, और बिल्कुल लग रहा हूँ मैं बट फिशिंग करे मेरे अंकल और मेरे पापा। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं फिशिंग करके कि कैसा फिश हाथ लगता है। तो आइए। देखिए यहाँ पर ये हुक में चारा लगा दिए हैं फिशिंग स्टिक में, तभी फिशिंग स्टिक को फेंकेंगे। देखिएगा पापा और अंकल दोनों ही बेस्ट फिशरमैन हैं। देखिए दोनों ने फेंक दिया, और अंकल का भी नहीं आया है। अंकल का अभी भी फिश नहीं आया है, पापा फेंकेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। मछली बहुत सारा है और खाने आएंगे तभी ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई तो कर रहे हैं हम लोग। पकड़ा गया। देखिए फिश पकड़ा गया। गया चला गया। ओ शिट, है या नहीं है? ओहो, चलिए देखिए। छोटा है बट अरे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। देख सकते हैं, देखिए अंदर है। ये तो मर ही जाएगा। एक छोटे से कंटेनर में रख देंगे, जैसे भी होगा। को हम लोग ने कंटेनर में रख दिया है, तो इसको छोटा कर देते हैं। तो हम लोग ने कंटेनर में रख दिया है, मतलब एक बकेट में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा था इसलिए। और अभी इसकी जान बच गई है। तो ये हमारा पहला फिश। ये
बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो मतलब भगवान करके हम लोग ने इसकी जान बचा लिया है। तब चलते हैं, देखते बड़ा कोई मिला तो पकड़ेंगे। छोटा अगर मिला तो भगने तालाब के पानी में रखा है बकेट में, तो किसको सरवाइव करना था। पापा फेंक रहे हैं जाल, देखते हैं जाल नहीं सॉरी स्टिक, फिशिंग स्टिक, तो देखते हैं पापा का क्या रिजल्ट आता है। ये तो अंकल का रिजल्ट आया, अंकल ने सेकंड बार में ही अचीवमेंट पा ली। और वहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा फिशेज हैं। अरे तो फिश सब आराम से खा ले रहे हैं, मतलब पकड़ नहीं पा रहे उसको, तो इसके लिए फिश हाथ में नहीं आ रहे। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिशिंग करना मतलब पूरा पेशेंस से रहना। बड़ा बड़ा फिश आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा फिश है। देखिए सब जो पर है ना, जो मूव कर रहे वाटर सब, वहाँ पर पूरा बड़ा बड़ा फिश है। तक वेट करना पड़ेगा जब तक आएगा वो फिश। और एक पापा ने भी मछली पकड़ ली, बट ये भी छोटा है, इसको भी अंदर ही जाने पर देख सकते हैं कितना छोटा, बट फिर भी पापा ने अचीवमेंट पा ही ली। दो मछली, दो फिशेस, एक थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो दोनों का अचीवमेंट, बट अंकल का थोड़ा सा छोटा अचीवमेंट, पापा का थोड़ा सा बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तो ऐसे धीरे 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 लास्ट में हम लोग मॉन्स्टर फिश तो पकड़ ही लेंगे। देखिए दीदी है यहाँ पर, और यहाँ पर पापा, पापा हैप्पी, पहला अचीवमेंट छोटा सा ही सही हैप्पी, और अंकल आप भी हैप्पी, अभी तो हैप्पी रहना ही पड़ेगा। हाँ बट धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए अंकल अभी इसको, हाँ ठीक करें, फिर अंकल भी देंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट बार फेंके हैं पापा ने, तो देखते हैं आ तो रहे लगते फिश, ये भाग जा रहे हैं बार बार, और हाथ पूरे गंदा हो गए, फिर से उछल रहे। यहाँ से यहाँ तक चले जा रहे, पूरा उछल के यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक। बारिश हो रही है तो मैं भी भीग गया हूँ, और बाहर मतलब बहुत ज्यादा नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, पापा फिर भी मस्जिद में छोड़े हैं, और ऐसा है बट हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे अगर बारिश कम गया तो अभी मतलब स्टॉप रहेगा और फिर देखते हैं। चलिए थर्ड मछली पकड़ ली। देखिए तीन मछली, बहुत ही छोटा है। पापा ने सबसे स्मॉलेस्ट फिश को पकड़ा है, देख सकते हैं बहुत सारे फिशेज आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए कितना छोटा सा फिश है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए पानी में चला गया भी फिश, टाटर फिश। बारिश के पहले दो, बारिश के बाद दो, अब देखते हैं कितना दूर जाएगा। और अभी शाम भी हो रही है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, शाम भी हो रही है और क्लाउड्स भी आ रहे हैं, और फिर से हो गया, अच्छा हो गया। हम लोग को फिशिंग चार फिश पकड़े हैं, और थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, कभी देखेंगे और टाइम मिले तो एक दिन आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी अनकट व्लॉग को देख लीजिए, कैप्चर फिश हम लोगों का देख लीजिए, और अच्छा सा फिशिंग स्टिक भी लाना पड़ेगा। तो बहुत सारे मिस्टेक्स के लिए आज पकड़ नहीं पाए, तो अभी चलते हैं अनकट व्लॉग को, ज़्यादा नहीं बोलना है। और देख लिया आपने पूरा व्लॉग कैसा था, फुल फिशिंग का व्लॉग, तो अभी एंड करते हैं व्लॉग को, तब तक रहेगा जैसे मैं बोलता हूँ, वेयर मास्क, डू हैंड सैनिटाइज एंड वॉश योर हैंड्स।
और आप खुद भी अच्छे से रहिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स को भी अच्छे से रखिएगा। और बाय।